हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी AD86 माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन। तो आइए अपन देखते हैं AD86 माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन। AD86 माइक्रो प्रोसेसर एक इनहेंस वर्जन है AT85 माइक्रो प्रोसेसर का, जो कि डिजाइन किया गया था इंटेल के द्वारा 1976। AT86 माइक्रोप्रोसेसर एक 16 बिट प्रोसेसर है। 16 बिट प्रोसेसर मतलब 16 बिट इसकी वर्ड लेंथ है। वर्ड लेंथ का मतलब होता है कि अगर किसी प्रोसेसर की वर्ड लेंथ 16 बिट है, तो वो एट अ टाइम 16 बिट डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, 16 बिट डेटा में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। मतलब सारी एक्टिविटी 8086 या 8086 प्रोसेसर 16 बिट डेटा में परफॉर्म करता है एक कंप्लीट साइकिल में, या एक ऑपरेशन में वो 16 बिट डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, फेच कर सकता है, उसको उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं 16 बिट प्रोसेसर। ये पहला कमर्शियल पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर है 16 बिट। 8086 माइक्रो प्रोसेसर में 20 बिट एड्रेस बस होती है। 20 बिट एड्रेस बस होने के कारण ये एक्सेस कर सकती है 2 raised to the power 20, मतलब 1 MB मेमोरी लोकेशन। 8086 में 16 बिट डेटा बसेस होती हैं। 8086 माइक्रोप्रोसेसर सपोर्ट करता है अप टू 64K इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को। ये प्रोवाइड करता है 14 और 16 बिट रजिस्टर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, रजिस्टर का यूज किया जाता है डेटा को या बिट को स्टोर करने के लिए। 8086 माइक्रोप्रोसेसर में पावरफुल इंस्ट्रक्शन सेट है, जिसकी हेल्प से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस टाइप के ऑपरेशंस इजीली परफॉर्म हो जाते हैं। ये सपोर्ट करता है 2 मोड ऑफ ऑपरेशन को, पहला मैक्सिमम मोड और दूसरा मिनिमम मोड। मैक्सिमम मोड सुटेबल होता है उन सिस्टम के लिए जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर है, और मिनिमम मोड सुटेबल होता है उन सिस्टम के लिए जिसमें सिंगल प्रोसेसर है। अब अपन देखते हैं फीचर्स ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर। कुछ यहाँ फीचर्स दिए हैं 8086 माइक्रोप्रोसेसर के। पहला फीचर है 8086 माइक्रोप्रोसेसर में एक इंस्ट्रक्शन क्यू होती है, जो कैपेबल होती है स्टोर करने के लिए 6 इंस्ट्रक्शन बाइट फ्रॉम द मेमोरी, जिससे हमारी जो सिस्टम की प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाती है। 8086 फर्स्ट 16 बिट प्रोसेसर है, इसीलिए इसमें एक 16 बिट ALU होता है। ALU मतलब अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट 16 बिट की होती है। ALU 16 बिट होने के कारण 16 बिट डेटा को साइमल्टेनियसली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें 16 बिट रजिस्टर्स होते हैं, इंटरनल डेटा बसेस होती हैं, 16 बिट एक्सटर्नल डेटा बस होती है, जिससे फास्ट प्रोसेसिंग हो सकती है। 8086 माइक्रोप्रोसेसर 3 वर्जन में अवेलेबल है, और ये 3 वर्जन उसके फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन के बेस्ड पे डिफाइन किए गए हैं। पहला है 8086, जो कि 5 मेगाहर्ट्ज़ में ऑपरेट होता है। दूसरा है 8086-2, जो 8 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट होता है। तीसरा है C8086-1, ये 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट होता है। 8086 माइक्रोप्रोसेसर यूज करता है 2 स्टेज ऑफ पाइपलाइनिंग। फर्स्ट स्टेज होती है फेचिंग स्टेज और दूसरी स्टेज होती है एग्जीक्यूशन स्टेज। मतलब वो फर्स्ट स्टेज में एक इंस्ट्रक्शन को फेच करके स्टोर कर लेता है, और दूसरी स्टेज में जो स्टोर ऑलरेडी स्टोर इंस्ट्रक्शन था उसको एग्जीक्यूट करता है। इस तरह हमेशा 8086 माइक्रोप्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन को एडवांस में फेच करके क्यू करता है, जिससे सिस्टम का परफॉर्मेंस और स्पीड जो है वो इम्प्रूव होती है। इसी को कहते हैं पाइपलाइनिंग। 8086 माइक्रोप्रोसेसर में कुछ एड्रेस और डेटा बस को मल्टीप्लेक्स किया हुआ है। जैसे एड्रेस और डेटा बस 0 से लेकर 15 तक की मल्टीप्लेक्सड है, और बाकी एड्रेस बस 16 से 19 तक की मल्टीप्लेक्स नहीं है। 8086 माइक्रोप्रोसेसर यूज करता है सिंगल फेज क्लॉक का, जिसकी ड्यूटी साइकिल 33% है, जिससे इंटरनल टाइमिंग प्रोवाइड होती है।
ये प्रीफेच करता है 6 byte इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से और क्यू कर लेता है उनको, जिससे सिस्टम की स्पीड जो है इनहेंस होती है। 8086 माइक्रोप्रोसेसर में 256 वेक्टर इंटरप्ट्स होते हैं। 8086 माइक्रोप्रोसेसर कंसिस्ट करता है 29,000 ट्रांजिस्टर्स। इसको रिक्वायर्ड है +5 volt पावर सप्लाई ऑपरेट करने के लिए। 8086 माइक्रोप्रोसेसर एक 40-pin डुअल इनलाइन पैकेज है, 40-pin की आईसी है। अब अपन देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन 8085 और 8086 माइक्रोप्रोसेसर। पहला कंपैरिजन है साइज के बेस पे। 8085 एक 8-bit माइक्रोप्रोसेसर है। 8-bit माइक्रोप्रोसेसर का मतलब है इस प्रोसेसर की वर्ड लेंथ 8-bit है। वर्ड लेंथ का मतलब होता है कि जिस प्रोसेसर की जितनी वर्ड लेंथ है, जैसे कि 8085 की 8-bit वर्ड लेंथ है, तो वो प्रोसेसर 8-bit डेटा को फेच करेगा एट अ टाइम, ट्रांसफर करेगा, कर सकता है एट अ टाइम, 8-bit डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है एट अ टाइम, मतलब सारी एक्टिविटी 8085 माइक्रोप्रोसेसर एक साइकिल में 8-bit में परफॉर्म करता है। जहां पे 8086 माइक्रोप्रोसेसर एक 16-bit प्रोसेसर है, इसका मतलब है वो 16-bit डेटा को ट्रांसफर कर सकता है एट अ टाइम, उसमें 16-bit डेटा में एट अ टाइम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, सारी एक्टिविटी वो 16-bit में परफॉर्म कर सकता है वन कंप्लीट साइकिल में या वन ऑपरेशन में। दूसरा है एड्रेस बस के कंपैरिजन में। 8085 माइक्रोप्रोसेसर में 16-bit एड्रेस बस होती है, जबकि 8086 माइक्रोप्रोसेसर में 20-bit एड्रेस बस होती है। मेमोरी के टर्म्स में 8085 एक्सेस करता है 64 KB की मेमोरी, जहां पे 8086 माइक्रोप्रोसेसर एक्सेस करता है अप टू 1 MB मेमोरी इंस्ट्रक्शन। 8085 माइक्रोप्रोसेसर में कोई भी इंस्ट्रक्शन क्यू नहीं है, जबकि 8086 माइक्रोप्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन क्यू होती है, जिससे सिस्टम की स्पीड बढ़ जाती है। पाइपलाइनिंग, 8085 माइक्रोप्रोसेसर पाइपलाइनिंग कंसेप्ट को या आर्किटेक्चर को सपोर्ट नहीं करता, जबकि 8086 माइक्रोप्रोसेसर पाइपलाइनिंग आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है, जिससे सिस्टम की स्पीड बढ़ती है। इनपुट आउटपुट, 8085 माइक्रोप्रोसेसर एड्रेस करता है 2^8, यानी 256 इनपुट आउटपुट्स, वेयर एज 8086 एक्सेस करता है 2^16, यानी 65,536 इनपुट आउटपुट्स को। कॉस्ट, 8085 माइक्रोप्रोसेसर की कॉस्ट लो होती है, जबकि 8086 माइक्रोप्रोसेसर की कॉस्ट हाई होती है। तो ये कुछ कंपैरिजन है 8085 और 8086 माइक्रोप्रोसेसर। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।